उत्पादकता बढ़ाने के लिए और निवेश बढ़ाने के लिए, ताकि किसान को और ज़्यादा दाम अच्छे मिल सकें, इसके लिए उस कानून में बदलाव लाया जा रहा है जो 1955 से है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, आवश्यक वस्तुओं के लिए जो बनाया गया था। कहने के लिए इसमें बदलाव होगा, लेकिन जैसे एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करके एक बहुत बड़ा बदलाव उस क्षेत्र में आया है, उसी तरह से इस बदलाव से किसानों की आय में बढ़ोतरी की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कहीं ना कहीं उसको कम दाम पर बेचने के लिए एक तरह से रुकना पड़ता था, कई और इसके नुकसान भी होते थे। अब उसके लिए भी इसमें अवसर निकल कर आएंगे, जिससे आपके तिलहन की बात हो, दलहन की बात हो, प्याज हो, आलू हो, ऐसे या सीरियल्स की बात हम की जाए, इन सब में इनको अवनियमित किया जाएगा, डीरेगुलेट किया जाएगा, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। और अगर 100% वृद्धि खुदरा दाम में होती है जो हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस हैं, या 50% की वृद्धि होती है जो गैर नाशवान पदार्थ हैं, नॉन पेरिशेबल हैं, तो उस समय में कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उस समय में, और जो लोग फूड प्रोसेसिंग में हैं उनके लिए ऐसी कोई स्टॉक लिमिट ना हो जिससे कि उनके कामकाज में भी कोई प्रभाव ना पड़े और वैल्यू चेन में भी कोई उसका नुकसान ना हो, और निर्यात करने वालों को भी कहीं पर दिक्कत ना आए। वी मूव टू दी सेकंड। लेकिन राष्ट्रीय आपदा और सूखा ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं तो उस समय में सरकार समय समय पर कदम उठा सकती है। थैंक यू। सॉरी, आई मूव टू द नेक्स्ट, द सेकंड ऑफ द थ्री रिफॉर्म्स। दिस इज रिलेटेड टू फार्मर्स and farmers getting adequate choice to sell their produce at an attractive price. We shall bring a central law so that farmers will be able to have the choice to sell his produce at an attractive price. He has no barriers in interstate trade. So the interstate trade at the moment is restricted. It should be barrier free. We also want to make sure there is a framework for him to have his produce e-traded. He should be able to engage in e-trading of his produce. So a certain amount, at the moment you know that he sells his produce only to licensees, holders of license, and this restriction has been one of the reasons why he's not able to find a fair price. Whilst I'll just give you one comparison, no other producer of any other produce in the manufacturing sector, for instance, is compelled to have to sell to only a certain set of licensees. Why should only farmers be restricted in selling his produce to only some licensees and not be open to sell it to whoever he wants to sell? So we want to give farmers the choice so that he'll be able to sell his products at an attractive price, have no barriers in interstate movement, and make sure that he is able to e-trade. So a central law is being proposed. जहां किसानों की आय दुगना करने के लिए मोदी जी की सरकार ने संकल्प लिया है, वहीं पर ये कदम उस दिशा में उठाए भी जा रहे हैं, ताकि किसान या कृषि क्षेत्र एक अकेला ऐसा देखा जाता है जहाँ पर लाइसेंसी जो है उन्हीं को उनको सामान बेचना है, एपीएमसी के माध्यम से बेचना है, जिनके पास बाकी लाइसेंस है वहाँ तक सीमित रहना है, जबकि बाकी क्षेत्रों में ऐसा होता नहीं है। किसान को भी बेहतर दाम मिल पाए और अंतर्राज्यीय व्यापार भी इससे उनका हो आने वाले समय में, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए जो कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी वो भी करेंगे, और उसके उत्पादन के लिए, उसकी फसल के लिए उसको उचित मूल्य मिले, उस दिशा में एक बड़ा कदम ये उठाया गया है। और मुझे लगता है कि जो पिछला हमने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की बात कही और अभी इस कदम की बात कर रहे हैं,
जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसमें बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, इनसे बहुत बड़ा बल किसानों को मिलने वाला है। इस देश के करोड़ों किसान जिनको बेहतर आमदन हो सकती है इन बदलाव के कारण। The last of